और कह रहे हैं अभी सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं है। आज मैं आपके बीच के अंदर अब मैं एक ही राव साहब की खासियत है जो आप किसी से छिपी हुई नहीं है, गरजे तो भोर बरसे न बूंद, ये सब फरेव है मेघों में, और जो कहा कहा सो किया किया, बस एक बात है मर्दों में, बस एक बात है मर्दों में। राव साहब आपके स्वागत में किस विधि स्वागत करें आपका, क्या देवे उपहार तुम्हें, मुक्ता मणि का हार नहीं जो देवे गल में डार तुम्हें, मधुर रसों का भोग नहीं, नहीं निर्मल जल की मधु धारा, फैला दो आंचल अर्पित करें, प्रेम आंसू दो चार तुम्हें, प्रेम आंसू दो चार तुम्हें। माननीय पंडित राम बिलास शर्मा जी और सम्मानित मंच, जब भारतीय जनता पार्टी की सभा के अंदर राम बिलास शर्मा जी का नाम ले लिया जाता है, तो कम से कम हरियाणा के अंदर कितने ही बड़े और नेता हों, राम बिलास शर्मा के नाम के सामने बाणे बन जाते हैं। हाथी के पैर में सबका पैर, और अगर आज मंचासीन अनेक नेताओं का मैं नाम नहीं ले रहा, जानबूझ करके नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे इस बात का अफसोस है कि जिस व्यक्ति को, जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराने वाला हरियाणा के अंदर केवल एक नाम था, और उसका नाम राम बिलास शर्मा। टिकट पार्टी दो, टिकट पार्टी ना दो, लेकिन किसी का भी बेइज्जत करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर केस दर्ज करवाना था और उसकी ढाल बन करके इनको टिकट मना करना था, तो आज से पहले करे होते तो पानी का पानी और दूध का दाना हो जाए, हो जाए होता। लेकिन एंड टाइम के ऊपर इतनी देर के बाद एक केस का बहाना लेकर के और कह रहे हैं अभी सोच रहे हैं, तो नमक जख्म के ऊपर छिड़कने के अलावा ये कुछ और चीज नहीं है। आज मैं आपके बीच के अंदर ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इनके पर्चे दाखिले के लिए 36 बरादरी के लोगों ने मिलकर के इनका पर्चा बढ़वाया, इनको मनोबल बढ़ाया है, न केवल राम बिलास का मनोबल बढ़ाया है, पर हम बाकी जितने भी प्रत्याशी यहां पर बैठे हुए हैं या प्रत्याशी रहे हैं, उनका भी मनोबल बढ़ाया है। मुझे यकीन है कि पार्टी नकारेगी, और इस विषय के अंदर अगर नकारती भी है तो सारे हरियाणा को धक्का लगेगा, सिर्फ महेंद्रगढ़ को धक्का नहीं लगेगा, सभी को धक्का लगेगा। मैं आज उनके प्रति सहानुभूति जताने के लिए नहीं आया, सहानुभूति तो जब जिताई जाएगी जब इनको टिकट नहीं मिलेगी। आज के दिन तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि हम अभी भी प्रयासरत हैं कि राम बिलास शर्मा को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिले, और हम यहां बैठे हुए थे। चौधरी धर्मवीर ने पूछा, बोल भी क्या कहना राम बिलास,
तो रामलाल ने बोला भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना, भारतीय जनता पार्टी का नाम। जिस व्यक्ति के रग रग के अंदर भाई बीजेपी समाई हुई हो, आज यही कह सकता हूं कि मुझे अफसोस है कि पार्टी ने अगर इनको डिनाई करना चाहिए था तो आज से पहले कह करके इनको कर देना चाहिए था। जिनको हम गवर्नर बना रहे हैं, तेरे को हम किसी और चीज का बड़ा ओहदा देने लग रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पे इस तरह से देना हमारे को अच्छा नहीं लगा पंडित जी। और आज के दिन आपको कहते हैं कि आपने पार्टी संवारी है, आपके अनुसार पार्टी को चलाएंगे, चाहे आपको टिकट मिले चाहे आपको टिकट ना मिले।